हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? सर अच्छे हैं। देखिए बेटा, हमारा लेसन चल रहा है द बिली गोट एंड द किंग। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं कॉन्सिक्वेंसेस तक। इसमें यहाँ चल रहा था कि राजा किसी पशु पक्षी या जंगली जानवर की या किसी भी प्राणी की आवाज बहुत अच्छी तरीके से समझ सकता है, लेकिन इसके साथ उसे एक अभिशाप है कि यदि किसी को इसके बारे में पता चल गया तो राजा एक पत्थर में बदल जाएगा। जब राजा खाना खा रहा है उसी समय एक चींटी चावल का दाना लेकर जा रही है। दूसरी चींटी उसे कहती है कि मेरे पैर गंदे हैं और ये चावल का दाना मुझे दे दीजिए और दूसरा ले आइए। दूसरी चींटी कहती है कि तुम्हारे इतने छोटे छोटे पैर हैं, कोई नहीं देख पाएगा, तुम अपना दाना स्वयं ले आओ। तो ये सब कन्वर्सेशन चल रही है तो उसी समय राजा को हंसी आ जाती है। रानी ये सोचती है कि राजा उसके ऊपर हंस रहे हैं और वो राजा से पूछती है कि क्यों हंस रहे हैं, लेकिन राजा मना कर देता है बताने से। तो इस तरह से उनमें एक झगड़ा चलता रहता है और ये झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि रानी राजा को चैन नहीं लेने देती। तो आखिरकार राजा को ये मानना पड़ता है कि मुझे ये सब बताना ही पड़ेगा, नहीं तो रानी मुझे चैन नहीं लेने देगी। और फिर वो क्या प्लान बनाता है तो यहां से देखिए, बट थॉट ही बट थॉट ही इफ आई एम टू बिकम ए स्टोन। राजा सोचता है अपने बारे में कि क्या होगा यदि वो एक पत्थर बन जाएगा, तो पत्थर बनने के बाद उसके साथ जो कुछ होने वाला है उसके बारे में वो सोच रहा है कि रानी को वो बता देगा और फिर वो एक पत्थर बन जाएगा और फिर उसके साथ क्या क्या किया जाएगा। बट थॉट ही उसने सोचा, इफ आई एम टू बिकम ए स्टोन, यदि मुझे एक पत्थर बनना है तो आई एम नॉट गोइंग टू लाई, तो मैं लेटूंगा नहीं। मुझे पत्थर यदि बनना है तो मैं लेटूंगा नहीं। इफ आई कैन हेल्प इट ऑन सम डस्टी हाईवे, और यदि मैं किसी धूल भरे रास्ते के ऊपर पत्थर बन गया, टू बी किक्ड हेयर एंड देयर बाई मैन एंड बीस्ट, तो क्या होगा, किसी रास्ते का यदि पत्थर मैं बन गया तो मुझे आने जाने वाले ठोकर मारेंगे, मैन एंड बीस्ट, मनुष्य भी और जानवर भी। यदि मैं पत्थर बन गया तो क्या होगा, मुझे मैं आदमियों के द्वारा और जानवरों के द्वारा मेरे पे ठोकरें लगाई जाएंगी, प्लैंक्स एट डॉग्स, और कुत्तों के ऊपर जब कुत्ते दिखाई देते हैं तो पत्थर फेंकते हैं कोई, तो क्या होगा कि लोग कुत्तों के ऊपर मुझे फेंकेंगे। बी यूज्ड एज द प्लेथिंग ऑफ नॉटी चिल्ड्रन, नॉटी चिल्ड्रन जो नटखट बच्चे हैं वो क्या करेंगे, मेरे द्वारा खेले जाएंगे, मुझे उठा लेंगे और मुझे खेलने की वस्तु बना लेंगे। एंड बिकम जनरली रेस्टलेस
एंड मिजरेबल, और फिर मैं बिल्कुल बेचैन और मेरा कष्टदायक जीवन हो जाएगा। आई विल बी ए स्टोन एट द बॉटम ऑफ द कूल रिवर। तो कहता है कि इससे बढ़िया है कि मैं कहाँ बन जाऊं पत्थर, एक ठंडी नदी के तलहटी में मैं पत्थर बन जाऊं, एंड रोल जनरली अबाउट देयर अंटिल आई फाइंड सम सिक्योर रेस्टिंग प्लेस वेयर आई कैन स्टे फॉर एवर। क्यों बनना चाहता है नदी में पत्थर? कहता है कि नदी के जो तलहटी है, यदि मैं वहां पर पत्थर बन गया, एंड रोल जनरली अबाउट देयर, वहां पर मैं लुढ़कता रहूंगा, अंटिल आई फाइंड सम सिक्योर रेस्टिंग प्लेस, जब तक लुढ़कता रहूंगा, जब तक मुझे कोई सुरक्षित स्थान नहीं मिल जाता, वेयर आई कैन स्टे फॉर एवर, और फिर वहां पर मैं फॉर एवर का अर्थ होता है सदा के लिए, सदा के लिए मैं वहां पर लेटा रहूंगा। तो अपने पत्थर बनने की व्यथा वो सोच रहा है कि पत्थर बनने के बाद उसके साथ क्या क्या होने वाला है। पत्थर जब पड़ा रहता है तो उसके ऊपर आने जाने वाले ठोकर मारते हैं, चाहे वो मनुष्य हो या फिर पशु हो। जब कोई कुत्ता दिखाई दे जाए तो उस पत्थर से कुत्ते के ऊपर फेंका जाता है। तो कहता है इस प्रकार से उसका बड़ा ही बेचैन जीवन हो जाएगा, बिल्कुल रेस्टलेस हो जाएगा वो। तो इससे बढ़िया है यदि पत्थर ही बनना है तो क्यों, इसके अलावा फिर क्या कहता है कि जो नटखट बच्चे हैं, शरारती बच्चे हैं, वो उसे उठा लेंगे और उसे खेलने की वस्तु बना लेंगे। तो कहता है कि यदि पत्थर ही बनना है तो क्यों न मैं नदी की तलहटी में बन जाऊं, जहां ठंडा ठंडा पानी रहेगा और मैं लुढ़कता रहूंगा, और फिर जब मुझे कोई सुरक्षित स्थान मिल जाएगा तो मैं वहां पर सदा के लिए पड़ा रहूंगा। यहां से देखिए, सो ही टोल्ड हिज वाइफ दैट इफ ही वुड राइड विद हिम। यहां से देखिए, यहां से सो ही टोल्ड हिज वाइफ दैट सो ही टोल्ड हिज वाइफ दैट इफ सी वुड राइड विद हिम टू द मिडल ऑफ द रिवर ही वुड टेल हर व्हाट ही हैड लाफ्ड एट। अपनी पत्नी से उसने कहा कि यदि आपको जानना है कि मैं क्यों हंस रहा था तो आपको मेरे साथ नदी के किनारे तक चलना होगा, नदी के किनारे तक चलना होगा। सो ही टोल्ड हिज वाइफ दैट इफ सी वुड राइड विद हिम टू द मिडल ऑफ द रिवर, नदी के मध्य तक उसे सवारी करनी पड़ेगी, ही वुड टेल हर व्हाट ही हैड लाफ्ड एट, तो वह उसे बता देगा कि वह क्यों हंस रहा था। अभी अभी उसने ये बात स्वीकार की है कि यदि वो नदी के किनारे पत्थर बन गया तो उसे बिल्कुल आराम मिल जाएगा, तो इसलिए अपनी पत्नी से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ नदी के किनारे तक चलना पड़ेगा और मैं वहां पर तुम्हें बताऊंगा। सी थॉट ही वॉज जोकिंग, रानी ने सोचा कि राजा मजाक कर रहा था, एंड लाफिंगली एग्रीड, और हंसते हुए रानी ने अनुमति दे दी, वो सहमत हो गई। देयर हॉर्सेस वर ऑर्डर्ड एंड दे सेट आउट, उनके घोड़े मंगाए गए, उनके घोड़ों को आदेश दिया गया और फिर वे सेट आउट, वे चल पड़े वहां से। ऑन द वे दे केम टू ए फाइन वेट,
एक मिनट बेटा, कहता है कि ऑन द वे, रास्ते में, दे केम टू ए फाइन वेल, वेल होता है कुआं, वेल मनी कुआं होता है, रास्ते में वे एक बहुत अच्छे कुएं के पास आए, बेनिथ द शेड ऑफ सम लोफ्टी वाइड स्प्रेड ट्री, जहां पर कुछ ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे, वहां पर कुछ ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे, वाइड स्प्रेड ट्रीज, चौड़े चौड़े पेड़ खड़े थे कुएं के पास में, एंड द किंग प्रोपोज्ड दैट दे शुड गेट ऑफ एंड रेस्ट ए लिटल, तो राजा ने सुझाव दिया, प्रपोज्ड होता है सुझाव देना, राजा ने सुझाव दिया कि अब उन्हें कुछ समय के लिए यहाँ पर आराम करना चाहिए, दे शुड गेट ऑफ, घोड़ों से उतर जाना चाहिए और कुछ समय के लिए आराम करना चाहिए, दे ड्रिंक वाटर, दे ड्रिंक सम ऑफ कूल वाटर एंड देन पास ऑन, वे कुछ ठंडा पानी पिएंगे और फिर आगे चल पड़ेंगे, एंड देन दे देन पास ऑन, फिर वो चल पड़ेंगे, टू दिस द क्वीन कंसेंटेड, कंसेंटेड होता है सहमत होना, इस पर रानी भी सहमत होगी, सो दे डिसमाउंटेड, डिसमाउंटेड होता है घोड़ों से उतर जाना, सो दे डिसमाउंटेड एंड सेट डाउन इन द शेड बाय द वेल साइड टू रेस्ट, वेल साइड टू रेस्ट, जहां पर अच्छी बैठने की जगह थी, इसलिए वो घोड़ों से उतर जाते हैं और कुएं के पास जो पेड़ थे वहां पर अच्छी बैठने की एक जगह थी, वहां पर वो बैठ जाते हैं। अब आगे क्या होता है, इट हैपेंड दैट एन ओल्ड गोट एंड हिज वाइफ वर ब्राउजिंग इन द नेबरहुड, वहां पर जब वो देखते हैं कि एक बूढ़ा बकरा एंड हिज वाइफ और उसकी पत्नी वर ब्राउजिंग इन द नेबरहुड, नेबरहुड पड़ोस में ही, उनके पास में ही चल रहे थे, जहां पर राजा और रानी बैठे हुए थे वहां पर कुछ ही दूरी के ऊपर एक बूढ़ा बकरा और उसकी पत्नी चल रहे थे, एंड एज द किंग एंड क्वीन सैट देयर, जिस स्थान के ऊपर राजा रानी बैठे थे, द नैनी गोट केम टू द वेल्स ब्रिंक, नैनी होता है मादा बकरी, मादा बकरी कुएं के किनारे पर आई, ब्रिंक होता है किनारा, कुएं के किनारे आई, एंड पियरिंग ओवर, पियरिंग ओवर होता है बड़े ही सावधानी से देखना, पियरिंग ओवर saw some lovely tender green leaves that grew out of the inside wall of the well. बकरी चरती हुई कुएं के किनारे पर आई और उसने देखा कि कुछ बड़े कोमल कोमल, टेंडर होता है कोमल, लवली प्यारे प्यारे, ग्रीन लीव्स हरे हरे पत्ते, हरे हरे पत्ते, देखिए ये कुआं है और कुएं के पास में ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं ये हरे हरे कुछ पत्ते हैं, तो ये बड़े ही कोमल कोमल और बड़े प्यारे प्यारे हरे पत्ते थे, दैट ग्रू आउट ऑफ द इनसाइड वॉल ऑफ द वेल, इनसाइड वॉल होता है अंदरूनी जो दीवार थी कुएं की, उसके अंदर ये सब उगे हुए थे। अब बकरी क्या कहती है बकरे से, ओ क्राइड सी टू हर हस्बैंड, अपने पति पति को चिल्लाते हुए कि ओ कम क्विकली एंड लुक, अरे जल्दी आइए और देखिए, यहाँ पर जल्दी आइए और देखिए, हेयर आर सम लीव्स विच मेक माई माउथ वाटर, यहाँ पर कुछ हरे हरे पत्ते हैं जिसे देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है, कम एंड गेट देम फॉर मी, यहाँ आइए और ये मेरे लिए आप ले आए।
क्या बोले? बकरी क्या कहती है कि बकरे से कि आप जल्दी से यहाँ पर आइए, यहाँ पर बड़े ही सुंदर सुंदर कोमल कोमल हरी पत्तियां हैं और इन्हें देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है, तो यहाँ पर आ जाइए और ये मेरे लिए लाकर दीजिए। तो ऊपर से देखिए, देन द बिली गोट स्टैंड अप होता है, स्टैंडर्ड अप, साउंटर्ड अप, आराम से चलते हुए। जो बिली गोट आता है, नैनी किसके लिए? मादा बकरी के लिए। और जो बिली गोट है वो तो मादा के लिए, और नैनी आता है जो फीमेल होता है मादा बकरी के लिए, नैनी गोट, और बिली आता है नर बकरी के लिए। तो नर बकरा बड़े आराम से चलता हुआ वहां तक आया। लुकड ओवर, उसको देखा। एंड आफ्टर दैट ही आइड हिज वाइफ ए लिटल क्रॉसली। लिटल क्रॉसली, लिटल क्रॉसली क्या होता है? बड़े गुस्से से देखा, उसने बड़े गुस्से से उसे देखा। किसे देखा? बकरी को देखा, गुस्से में देखा। You expect me to get you those leaves? तुम मेरे से ये आशा करती हो कि मैं ये पत्ते तुम्हारे लिए ले आऊं? Do you? तुम ऐसा चाहती हो? I suppose you don't consider how in the world I am to reach them. तुम ये नहीं जानती कि मैं किस प्रकार से इस संसार में आया हूँ? मैं इस संसार में किस प्रकार से आया हूं, तुम ये बात नहीं जानती। यू डोंट सीम टू थिंक एट ऑल, तुम बिल्कुल भी ये सोचती नहीं हो। इफ यू डिड यू वुड नाउ दैट इफ आई ट्राई टू रीच दोज लीव्स आई शुड फॉल इन टू द वेल एंड बी ड्राउंड। क्योंकि ये पत्ते कुएं की अंदरूनी दीवार में है, तो बकरा कहता है कि तुम ये नहीं जानती, क्या तुमने कभी ये जानने की कोशिश की है कि यदि मैं इन पत्तों को लेने की कोशिश करूंगा, आई शुड फॉल इन टू द वेल, आई शुड फॉल इन टू द वेल, तो क्या होगा कि मैं कुएं में गिर जाऊंगा एंड बी ड्राउंड, और डूब जाऊंगा। तो सही कह रहा है, क्योंकि कुएं के अंदरूनी दीवार में जो ये पत्ते लगे हुए हैं, यदि वो इन्हें लेने की कोशिश करेगा तो वो अवश्य ही कुएं में गिर जाएगा और डूब जाएगा। तो ये उसका ऐसा मानना है। ओ क्राइड द नैनी गोट, व्हाई शुड यू फॉल इन, डू ट्राई एंड गेट देम। कहता है, अरे बकरी चिल्लाई बकरे पर, Why should you fall in? तुम कैसे गिर जाओगे? Do try and get them. कोशिश तो करो और लेकर आओ। बकरा कहता है कि I am not going to be so silly. Silly होता है मूर्ख। कहता है मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ। मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ। Replied the billy goat. नर बकरे ने कहा। बट द नैनी गोट स्टिल वेप्ट एंड इंट्रीटेड। लेकिन जो मादा बकरी थी वो बार बार यही उससे कहती रही और रोने लगी, और फिर रिक्वेस्ट करने लगी, प्रार्थना करने लगी, इंट्रीटेड, भीख मांगने लगी उससे कि नहीं, मेरे लिए ये सब लेकर ही आओ।
look here, said her husband. उसके पति ने कहा कि look here, यहाँ देखिए. Said her husband, उसके पति ने कहा, there are plenty of fools in the world. संसार में बहुत सारे मूर्ख हैं. संसार में बहुत सारे मूर्ख हैं, but I am not one of them. लेकिन उन मूर्खों में मैं नहीं. नर बकरा मादा बकरी से कहता है कि संसार में बहुत सारे मूर्ख हैं, लेकिन उन मूर्खों में मैं बिल्कुल भी नहीं. क्यों नहीं हूं? कि दिस सिली किंग हेयर, अब वो राजा की तरफ इशारा करता है. राजा की तरफ इशारा करता है कि यहां देखिए, यहां पर एक मूर्ख राजा बैठा हुआ है. बिकॉज ही कांट केयर हिज वाइफ ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, उसकी पत्नी उससे प्रश्न पूछ रही है बार बार, और वह अपनी पत्नी का इलाज नहीं कर सकता. इज गोइंग टू थ्रो हिज लाइफ अवे, और वो अपना जीवन फेंकने के लिए जा रहा है. रियल में राजा क्या चाहता था? जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि राजा ये चाहता था कि यदि उसे पत्थर बनना ही है तो ऐसी जगह पर क्यों बने जहां पर लोग आते जाते उसे ठोकर मारें, नटखट बच्चे उसके खिलौने बनाकर खेलें, या उसको कुत्तों के ऊपर फेंका जाए तो उसका जीवन जो है वो बड़ा ही कष्टदायक हो जाएगा पत्थर के रूप में. क्योंकि पत्नी तो मान नहीं रही थी पूछने बार बार. यदि उसने बता दिया कि भाई मैं तो चिट्टी के ऊपर हंस रहा था कि चिट्टी ऐसे ऐसे बोल रही थी, चिट्टी ये कह रही थी कि तुम चावल का दाना मुझे दे दो और दूसरा ले आओ, मेरे पैर गंदे हैं, यदि मैं अंदर जाऊंगी तो वहां का फर्श गंदा हो जाएगा, तो ये बात मैं रानी को बता दूंगा तो बताते ही मैं क्या हो जाऊंगा, पत्थर में बदल जाऊंगा, और पत्थर में बदलते ही मेरे साथ क्या होने वाला है जो मैं बता चुका हूँ अभी, मुझे इधर उधर फेंका जाएगा, ठोकरें मारी जाएंगी, नटखट बच्चे मेरे खिलौने बनाकर खेलेंगे, मुझे कुत्तों के ऊपर फेंका जाएगा. ठीक है, तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि किसी नदी के मध्य तक चला जाऊं, ठीक है, और वहां पर पत्थर बन जाऊं. उसने कहा है ना मिडल ऑफ द रिवर, तो मुझे कहां तक जाना है, नदी के बीच तक जाना है, तो नदी के बीच में जाऊंगा, वहां पर मैं अपनी पत्नी को बता दूंगा और बताते ही मैं पत्थर बन जाऊंगा, और पत्थर बनते ही क्या होगा, फिर मैं नदी के बीच में पड़ा रहूंगा, तो वहां पर मैं किसी को भी परेशान, किसी से भी मुझे कोई परेशानी नहीं होगी. यहाँ पर बकरा क्या कहता है कि भाई संसार में बहुत सारे मूर्ख हैं, लेकिन मैं उन मूर्खों में से नहीं हूं. यहाँ पर एक मूर्खता का उदाहरण आपके सामने बैठा हुआ है, राजा. राजा अपने जीवन को फेंकने के लिए जा रहा है क्योंकि उससे अपनी पत्नी, उसकी पत्नी उससे बार बार प्रश्न पूछ रही है और उसका इलाज उसके पास है नहीं. वो उसको रिप्लाई नहीं कर पा रहा कि वो क्यों हंस रहा था, और अपना जीवन फेंकने के लिए जा रहा है, अपना जीवन उसने दाव पर लगा दिया है. बट आई नाउ हाउ टू केयर यू ऑफ योर फॉलीज. फॉलीज होता है मूर्खता का, जो बड़ा है फॉलीज, मैंने जो रेड किया अभी, फॉलीज फॉलीज होता है मूर्खता का, जो तुम्हारी मूर्खताएं हैं उनका इलाज मेरे पास है. एंड आई एम गोइंग टू, और उस मूर्खता का इलाज मैं करने जा रहा हूँ. राजा से तो नहीं हुआ, रानी की मूर्खता का इलाज, लेकिन देखिए मैं करने जा रहा हूँ कि कैसे इलाज करता हूँ. फिर बकरी से कहता है, एंड विद दैट ही बटेड द ननी गोट सो सेवरली दैट इन टू मिनट्स शी वाज सबमिसिवली फीडिंग समवेयर एल्स. बटेड क्या होता है, जोर से उसने टक्कर मारी. किसको? उस बकरी को. बकरे ने बड़े जोर से उसे उसके ऊपर प्रहार किया, इतनी जोर से किया
नैनी गोट पर उस मादा बकरी पर 100 सवरली इतने भयंकर रूप से दैट इन 2 मिनट की 2 मिनट में ही सी वॉज सबमिसिवली कि वो ये जो बार बार उससे कह रही थी ना कि पत्ते ला दो तो उसने ये कहना छोड़ ही दिया और थोड़ी दूर जाकर चढ़ने लग गई। ठीक है एंड हैड मेड अप हर माइंड दैट द लीव्स इन द वेल वर नॉट वर्थ हैविंग और उसने आखिरकार ये बात मान ली कि कुएं के अंदर वाले जो पत्थर है ना वो खाने लायक नहीं है। जैसे लोमड़ी कहती है कि अंगूर खट्टे हैं, बार बार प्रयास करती है, उछलती है और उन अंगूरों को प्राप्त नहीं कर पाती, तो आखिरकार वो क्या कहती है कि ये अंगूर खट्टे हैं। तो इस प्रकार से बकरी ने भी हार मान ली और क्या कहा कि ये अंदर वाले जो पत्ते हैं वो खाने लायक नहीं है। क्यों कहा? क्योंकि बकरी ने इतनी जोर से टक्कर उसे दी। Then the king who had understood every word laughed once more. अब देखिए कि जो राजा था, then the king who had understood every word, क्योंकि राजा तो हर शब्द को जानता था, तो वह सुन रहा था उनको कि क्या बोल रहे हैं वो, तो वो एक एक शब्द समझ गया और जोर जोर से हंसने लगा। The queen looked at him suspiciously होता है संदेह से। रानी ने उसकी तरफ फिर संदेह से देखा। But the king got up and walked across to where she sat. लेकिन राजा अब खड़ा हो गया और जहां पर रानी बैठी हुई थी उस स्थान के ऊपर वो चल पड़ा और रानी से क्या कहता है, आर यू स्टिल डिटरमाइंड टू फाइंड आउट ए व्हाट आई वाज लाफिंग एट द अदर डे ही आस्क्ड। राजा ने पूछा कि स्टिल डिटरमाइंड अब भी दृढ़ निश्चय हो, स्टिल मानी होता है अभी भी और डिटरमाइंड होता है निश्चय कर लेना, दृढ़ निश्चय करना कर लेना कि क्या अब भी तुमने दृढ़ निश्चय कर रखा है, अभी भी तुमने दृढ़ निश्चय कर रखा है कि मैं उस दिन किस बात पर हंस रहा था। आस्क्ड उसने पूछा। क्वाइट यस हाँ आंसर्ड द क्वीन एंग्रीली। रानी ने गुस्से से कहा कि हाँ मैं तो अब भी जानना चाहती हूँ। बिकॉज सेड द किंग टैपिंग हिज लेग विद हिज राइडिंग विप। विप होता है कोड़ा, राइडिंग होता है जिससे सवारी करते हैं, घोड़े पर सवारी करते समय एक कोड़ा होता है विप, तो उस कोड़े को अपने पैरों पर पटकते हुए राजा ने कहा क्योंकि आई हैव मेड अप माई माइंड नॉट टू टेल यू। कहता है कि क्योंकि अब मैंने निश्चय कर लिया है कि अब मैं ये बात तुम्हें नहीं बताने वाला। Moreover, I have made up my mind to stop you mentioning the subject any more. कहता है कि अब तक तो हालांकि मैंने बताया भी नहीं है, लेकिन अब मैंने भी पक्का मन बना लिया है। और एक चीज और, क्या कि तुम्हें बार बार तुम एक ही सब्जेक्ट को दोहरा रही हो कि क्यों हंस रहे थे, क्यों हंस रहे थे, तो इसका भी इलाज मैं करने जा रहा हूँ। What do you mean? Asked the queen nervously. उदासी से रानी ने पूछा कि आपका क्या मतलब है इससे। Well, अच्छा, replied the king. राजा ने कहा, I noticed that if that goat is displeased his wife, he just butts her. कहते कि जिस प्रकार से ये बकरा displeased his wife, He just bet, sir. जैसे ही इसकी पत्नी इससे नाराज हुई और उसने जोर से टक्कर मारी and then seems to settle the questions. और अब देखिए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दोनों बड़े आराम से चल रहे हैं और जो इनका समझौता है वो भी हो गया है और इनके प्रश्न का समाधान भी हो गया है।
अब रानी कहती है कि यहाँ से देखिए, डू यू मीन टू से यू वुड बीट मी, क्राइड दी क्वीन। रानी चिल्लाई, क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम मेरी पिटाई करने वाले हो। राजा कहता है कि आई शुड बी एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे बड़ी ही बड़ा ही खेद है, मुझे बड़ा खेद है इस बात में कि मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा, मुझे ऐसा करना पड़ेगा। आई शुड बी एक्सट्रीमली सॉरी टू हैव टू डू सो, एक्सट्रीमली सॉरी, एक्सट्रीमली अत्यधिक, मुझे अत्यधिक खेद है कि मुझे ऐसा करना पड़ेगा। रिप्लाइड द किंग, राजा ने उत्तर दिया, बट आई हैव टू परसुएड यू टू गो होम क्विकली, क्वाइटली। परसुएड होता है मनाना, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें मनाना चाहता हूँ, तुम्हें फिर ये बात समझाना चाहता हूँ कि चुपचाप घर चलो, एंड टू आस्क नो मोर सिली क्वेश्चंस व्हेन आई से आई कांट आंसर देम। जब मैं किसी भी प्रश्न का उत्तर न देना चाहूं तो बार बार मेरे से वही मूर्खता के प्रश्न मत करना। व्हेन आई से आई कांट आंसर देम, जब मैं उसका उत्तर न दे सकूं तो इस प्रकार के प्रश्न मेरे से बार बार मत पूछना। ऑफ कोर्स इफ यू विल परसिस्ट, भाई कहता है कि निसंदेह तुम ये बातें मान जाओगी, तुम ये जिद नहीं करोगी, अब आगे से तुम इस बात की जिद नहीं करोगी। इसकी लास्ट लाइन है कि तुम इस बात की जिद नहीं करोगी। एंड द क्वीन वेंट होम, और रानी जो है वो चुपचाप घर चल पड़ी, रानी चुपचाप घर चल पड़ी। एंड सो डिड द किंग, राजा भी। एंड इट इज सेड दैट दे वर बोथ हैपियर एंड वाइजर देन एवर बिफोर, और ये कहा जाता है कि दोनों के दोनों पहले से ज्यादा अब खुश दिखाई देते हैं, पहले से बजाय खुश हैं और बुद्धिमान हैं। कब से? देन एवर बिफोर, पहले से, जैसे पहले थे ना, उससे ज्यादा खुश अब वो दिखाई देते हैं। तो ये आपकी बेटा स्टोरी थी द बिली गोट एंड द किंग, और ये खत्म हो गई है और टाइम भी आपका हो गया है। ठीक है, अगर इसमें कोई डिफिकल्ट कहीं आपको कठिनाई आए रीड करने में, आपको रीड जरूर करना है ये, यदि कहीं आपको कोई दिक्कत हो तो आप नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा बेटा इसमें जो भी डिफिकल्ट मीनिंग है उनको आप राइट करके जरूर देखना ताकि वो स्पेलिंग आपको आ जाए। ठीक है, ओके बेटा। ओके सर, बाय सर, बाय बेटा, बाय।